मुस्लिम लिखना छोड़ दीजिए अगर आपको नफरत है। अच्छा, सबसे पहले इनका जो इनका लास्ट सवाल है उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ, क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ, ना क्रिश्चियन हूँ, ना सिख बना हूँ, ना मुस्लिम भी तो नहीं हूँ ना। मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं, मुस्लिम भी तो नहीं हूँ ना, तो एक मुस्लिम क्यों लिखते हो? मुसलमान का सहारा लेकर, कंप्लीट करने दीजिए, इस्लाम का सहारा लेकर क्यों आगे बढ़ रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। इस वीडियो में नाबालिग मौलाना साजिद रशीदी को एक्स मुस्लिम साहिल ने तकफीर कर दिया। इस्लाम को शांति प्रिय बताने वाले मौलाना साजिद रशीदी ये तक साबित नहीं कर पा रहे हैं आखिर कितना शांति प्रिय है ये मजहब। आगे वीडियो में देखते हैं। सही सवाल किया, और अगर आप प्यू रिसर्च जिस सर्वे का आप हवाला दे रहे हैं अगर आप देखें तो 2017 की सर्वे की रिपोर्ट है नॉर्थ अमेरिका के बारे में, अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट है, उसमें 23% मुस्लिम जो है उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। 23% रेट आप सोचिए, हर जगह पे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? जब एक इंसान खुद मुताला करता है कुरान का, हदीसों का, इस्लाम के कॉन्सेप्ट का, इसके अंदर जो कट्टरता है उसको जब देखता है, उसके दिलों में सवाल आता है, उसके जहनों में सवाल आता है, और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता है, उसको ऐसा नज़र आने लगता है कि इसमें इंसानियत नहीं है, तो फिर लोग इस्लाम छोड़ देते हैं। और उसी में से मैं हूँ और कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस्लाम छोड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोग सामने आके इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनके घर वाले उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके मोहल्ले वाले उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। इसलिए कई सारे लोग इस्लाम छोड़ने के बावजूद सामने खुल के आके बोल नहीं पाते हैं। जी मौलाना रशीदी साहब, क्या वाकई में लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं? क्या वाकई में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं या फिर एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चल रहा है इस वक्त पूरी दुनिया भर में जहां हम ऐसे फोरम्स देख रहे हैं एक्स मुस्लिम? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। कुरान कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, सबसे पसंदीदा दीन। और अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना छोड़ दे, अल्लाह को मानना छोड़ दे, रसूल को मानना छोड़ दे, कुरान को मानना छोड़ दे, अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जितना बड़ा है उससे कम हो जाएगा। या अगर सारी दुनिया मिलकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे, कुरान को पढ़ना शुरू कर दे, वो जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरी अपनी धारणा है, ये मेरा अपना मानना है कि मैं इस्लाम के साथ रहता हूँ या इस्लाम के साथ नहीं रहता हूँ। इस तरह के प्रोपेगेंडे इस्लाम के ख़िलाफ़ आज से नहीं चल रहे हैं, रहते दुनिया से लेकर आज तक और क़यामत तक चलेंगे। इस तरह के कुछ लोग हर दौर में आए हैं जिन्होंने नबूवत के भी दावे किए हैं, जिन्होंने कुरान की भी मुखालफत की है, और आज भी बहुत लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, जो कहते हैं हम नहीं मानते अल्लाह को। भाई ना माने तो उसमें कोई बुराई थोड़ा ही है। नहीं, आपको लगता मेरा है, मानना ये है, संख्या बड़ी है हाल फिलहाल में लोगों की देखिए जो इस्लाम छोड़ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कहीं? मेरे नज़दीक जो मैं अमेरिका जैसे इन्होंने अभी बताया है, अमेरिका में, अमेरिका की बहुत प्रसिद्ध एक मैगज़ीन में 1992 या 1993 की रिपोर्ट है, मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ अभी, उसमें लिखा था कि और जगहों से ज़्यादा 60% इस्लाम जो है अमेरिका में फैल रहा है। और मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, बड़े बड़े फ़लासफ़र, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े डॉक्टर जो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम को पढ़ने के बाद जिस धर्म का नाम ही पीस हो, इस्लाम, पीस, अमन, शांति, मोहब्बत, प्यार, उस धर्म को भला कैसे छोड़ सकता है आदमी? साहिल, अगर कोई छोड़ रहा है तो छोड़े, एजेंडा है, कोई इस्लाम नहीं छोड़ रहा है। रशीदी साहब कह रहे हैं इस्लाम का तो और ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। आपका गलत आरोप है ये, आप जैसे चंद लोग हैं जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जवाब दें। एक चीज और मैं कह दूं, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में, एक सेकंड अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप साहिल एक सवाल का और जवाब दे देना मेरे। मैंने आपको, अगर इस्लाम इतना ही बुरा है तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आप एक्स मुस्लिम क्यों लिखते हैं मेरे भाई? आप अपने आप को हिंदू लिखिए, ईसाई लिखिए, सिख लिखिए, नास्तिक लिखिए, कुछ भी लिखिए, एक्स मुस्लिम, यानी मुस्लिम का सहारा लेकर आप अपने प्रोपेगेंडे को हवा देना चाहते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की अफवाह फैलाना चाहते हैं। एक्स मुस्लिम लिखना छोड़ दीजिए अगर आपको नफरत है। अच्छा, सबसे पहले इनका जो इनका लास्ट सवाल है उसका मैं जवाब पहले दे देता हूँ। मैं अपने आप के साथ हिंदू, क्रिश्चियन या एथियस्ट या जो भी है इसलिए नहीं लिखता हूँ, क्योंकि ना मैं हिंदू हूँ,
ना क्रिश्चियन हूँ ना सिख बना हूँ, मुस्लिम भी तो नहीं हूँ ना, मैं इस्लाम से बाहर निकला हूँ। नहीं मुस्लिम भी तो नहीं हूँ ना, तो एक्स मुस्लिम क्यों लेते हो? मुसलमान का सारा बात कंप्लीट करने दीजिए। इस्लाम का सहारा लेकर क्यों आगे बढ़ रहे हो? मैंने कोई धर्म नहीं अपनाया है, इसलिए मैं एक्स मुस्लिम हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि लोग इस्लाम नहीं छोड़ रहे, प्यू रिसर्च का हवाला हमने दिया है, अमेरिका में खुद 23% मुस्लिम जो है वो इस्लाम छोड़ दिए। तीसरी चीज़, आपने कहा कि अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई नमाज पढ़े नहीं पढ़े, इस्लाम में रहे नहीं रहे। अगर अल्लाह सुभान व तआला को वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है तो नमाज ना पढ़ने पर सज़ा क्यों, रोज़े ना रखने पर सज़ा क्यों, जहन्नम में क्यों जलाएगा अल्लाह अगर अल्लाह को फ़र्क ही नहीं पड़ता है? क्योंकि अगर फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी सज़ा दे रहा है तो ये इलॉजिकल नॉनसेंसिकल बात है। दूसरी चीज़, अगर इस्लाम में ना रहने से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता, उनका मर्तबा नहीं ऊपर या नीचे जाएगा, तो फिर मुर्तद को जो इस्लाम छोड़ दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत की सज़ा क्यों बताई? इसका जवाब दे दीजिए आप। मैं तीनों का जवाब देता हूँ और आपकी पहली बात का जवाब देता हूँ। जब आपने कहा कि मैं इस्लाम से निकला हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। जो आदमी किसी धर्म को नहीं मानता उसको हम अपनी ज़बान में नास्तिक कहते हैं। आप नास्तिक लिखिए अपने आप को। एक्स मुस्लिम ही क्यों लिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस्लाम के नाम पर गलत प्रोपेगेंडा फैलाना, ये आपने देखा कि अगर मैं एक्स मुस्लिम लिखूंगा तो मुझे टीवी वाले बुलाएंगे, मुझे अखबार वाले इंटरव्यू करेंगे, मेरी अहमियत बढ़ेगी। अगर मैं नास्तिक लिख दूंगा अपने आप को, आपको कोई नहीं बुलाएगा। तो ये आपने जानबूझकर एक प्रोपेगेंडे के तहत किया है कि मैं एक्स मुस्लिम लिख रहा हूँ। नंबर दो, एक्स मुस्लिम आप ही नहीं है, मुसलमान अगर कोई नास्तिक हो गया है, वो लोग हिंदू धर्म से भी आए हैं, वो लोग ईसाई धर्म से भी आए हैं, वो लोग क्रिश्चियन से भी आए हैं। ऐसा नहीं कि मुसलमान ही हैं जो सारे जितने भी नास्तिक हैं जिन्होंने धर्म छोड़ दिया, बहुत लोग हैं। इवन मैं जानता हूं कई लोगों को जो मुसलमान नाम है जिनके, वो कहते हैं भाई मैं मज़हब वज़हब को नहीं मानता यार। बहुत लोग हैं मेरे जानने वालों में भी। भाई ठीक है, कोई नहीं मानता ना माने, ठीक है साल तो आप। लेकिन लेकिन जो आपने फायदा उठा रहे हैं, सुनिए सुनिए, मुसलमान ना हो, एक चीज और बता दूं मैं आपको। इन्होंने जो कहा कि नबी ने क्यों कहा कि वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल क्यों कहा? देखिए नबी ने पता क्यों कहा है, मेरी बात सुन लीजिए पहले। नबी ने पता क्यों कहा है? आप धर्म छोड़ दीजिए, आप पर कोई दफा नहीं। मान गए ये वाजिबुल कत्ल है। सुनिए, मैं माना नहीं हूं, अभी तो मैंने बात ही नहीं की उस पर। आप कह रहे हैं मान गए, इतनी जल्दी मत करो भाई। मैं ये कह रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है, अगर कोई धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। ना नबी उस पर कुछ कहते हैं, ना कुरान उस पर कुछ कहता है। कोई इस्लाम को माने ना माने, हज़ारों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो नहीं मानते इस्लाम को। क्या हम सबको मारते फिरेंगे? क्या सबको कत्ल करते फिरेंगे? कुरान ने तो नहीं कहा ऐसा, नबी ने तो नहीं कहा ऐसा कि जो इस्लाम को ना माने उसको मार दो। ये आप झूठ फैला रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हिंदू हमारे 800 साल हमने हुकूमत की है, 800 साल में एक भी हिंदू बचता, एक भी ईसाई बचता, एक भी कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बचता? इस्लाम ने ऐसा कोई नहीं कहा है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। रशीदी साहब, एक बार टॉपिक पे फिर से वापस आते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी धर्म से लोग एथीस्ट बन रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो धर्म, और क्योंकि यहाँ बात इस्लाम की हो रही है, चाहे वो आप कह सकते हैं कि उसकी संख्या कम या ज्यादा, पर मैं उसके पीछे की वजह समझना चाहती हूँ। ये हर धर्म अपने अंदर एक आत्मचिंतन मंथन करता है कि भाई क्या वजह है, क्यों लोग छोड़ रहे हैं, क्यों नास्तिक हो रहे हैं या क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस्लाम का नाम आतंकवाद से जुड़ना, इस्लाम का नाम बार बार कट्टरपंथ से जुड़ना, और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन होना धर्म के अंदर जो आज के वक्त में शायद इस पीढ़ी को सही नहीं लगते हों या उनको मानना बहुत मुश्किल लगता हो, ये तमाम चीज़ें हैं जो एक बड़ी वजह बन रही है? मैं बता देता हूँ। देखिए, इस्लाम ने आतंकवाद को हमेशा कंडम किया है। जब इस्लाम का नाम ही पीस है, अमन शांति है, तो आतंकवाद की इजाज़त कैसे दे सकता है? ठीक है, ये आतंकवाद है, इस्लाम इसको कंडम करता है। मुस्लिम अगर नाम जुड़ रहा है तो उसकी वजह से कोई इस्लाम छोड़कर नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा है। दूसरी वजह, हम कंडम कर रहे हैं। एक एक करके जवाब दीजिए, फिर मैं साहिल से पूछूंगी, पांच वजह वो बताएंगे आखिर उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, उनके पीछे क्या वजह रही। लेकिन पहले आप मुझे बताइए, क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसे नियम कायदे हैं जो लोगों को अब लगता है कि इस मौजूदा वक्त में वो सही नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ, इसका कोई भी कारण नहीं है। धर्म से अलग होने का कोई कारण नहीं होता। कारण सिर्फ ये है, इन लोगों को मुंह भर पैसा दिया जाता है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काम कर रही हैं देश विदेश में, जो ऐसे लोगों को बाकायदा खरीदती हैं। मौलाना साहब, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अमेरिका में 63% की दर से इस्लाम फैला है,
तब वहां माने के पैसा देकर किया गया। नहीं 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 आप चिंतन कीजिए सही मायनों में, मेरे कहने का मतलब है मैं यहां किसी भी धर्म इसी में कहा कि ये सभी धर्मों पे लागू होता है। बिना सुनिए बिना सुनिए, मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा हूँ। हो सकता है किसी को बुर्का पसंद ना हो सकता है किसी को दाढ़ी रखना पसंद ना हो सकता है किसी को टोपी पहनना पसंद ना हो सकता है और भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हो जो नहीं वाजिब लगते हो लोगों। देखिए इस्लाम के अंदर मैं आपको जो बता देता हूँ, इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कहता हूँ कोई धर्म गलत नहीं सिखाता, गलत तो कोई सिखाता ही नहीं है। ये अलग बात है आस्था किसकी किसके साथ है, जो अल्लाह को भगवान को राम को जैसा समझेगा वैसा उसकी आस्था बन जाएगी। आप अपनी वजह बताएं, लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं या फिर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है? नहीं, पहले तो यही बताएं एक्स मुस्लिम लिखते क्यों हैं? मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा, मैं वजह बता देता हूं। मैं पहले दावत का काम करता था, मैं डॉक्टर जाकिर नायक MBBS का फैन था, लोगों को इस्लाम की दावत देता था और इस्लाम से बड़ी मोहब्बत करता था। लेकिन जब मैंने इस्लाम का मुताला किया, उसको पढ़ा, तो कई सारी चीज़ें मेरे सामने ऐसी नज़र आई जो मुझे इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ नज़र आई। इस्लाम जो है वो लोगों को दो कैटेगरी में बांधता है, एक ईमान वाला यानी मुस्लिम और दूसरा काफिर। काफिरों के लिए इस्लाम कहता है कि ये अनक्लीन है, इम्प्योर है, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। मैंने पहले वाले सेगमेंट में इसका हवाला दे दिया है। इसी वजह से छोड़ा कि मेरे को इसमें इंसानियत नज़र नहीं आई। दूसरे मजहबों के लिए इसमें हेट भरा पड़ा है, दूसरे लोगों के लिए हेट भरा पड़ा है। ये कहता है कि जो अनबिलीवर्स हैं उनके साथ जाके आप लड़ाई करो जब तक कि वो या तो इस्लाम ना कबूल कर ले या तो जिजिया ना दे। तो ये सब चीज़ें, फिर उसके बाद इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में चाइल्ड मैरिज अलाउड है। साहिल भाई मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए, जब आप प्रचारक रहे हैं तो इस्लाम को बहुत पढ़ा होगा आपने, मुर्दे को कैसे नहलाया जाता है जरा बता देंगे आप? नहीं, क्या ये जरूरी है कि जो बंदा तबलीग करता हो उसको हर बिल्कुल इस्लाम के हर एक मैं इमाम हूँ। मैं वीडियो देखकर आप जान गए होंगे कि इस्लाम सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब नहीं है बल्कि सबसे तेजी से छोड़ा जाने वाला मजहब है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।